क्या हमारा नोट के ऊपर लक्ष्मी और गणेश का पिक्चर छापने में पूरा इंडिया का इकोनॉमी सुधर सकता है क्या? इन लोग दिमाग के क्या हो गया है? मोदी जी और जितना यहाँ बीजेपी का बड़े बड़े मिनिस्टर है हमेशा एक सेंटिमेंटल इशू को लेकर लोगों के पास जाते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी पार्टी जो है वो इस वक्त ऐसी पॉलिटिक्स नहीं कर रही है जो कंट्री को प्रोग्रेस या डेवलपमेंट की तरफ ले जा सके। केजरीवाल के पास आज इकोनॉमी का सुधारने के बारे में उनका मुद्दा क्या है? नोट के ऊपर लक्ष्मी और गणेश को छापना है बोलकर जो यहाँ के ओपोजिशन पार्टी खामोश है, इतने सारे जुल्म होने के बावजूद भी, हमारा इकोनॉमी गिरने के बावजूद भी। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। मैं इलियास मोहम्मद तुम्बे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और मेरा साथ में SDPA के स्टेट कमेटी मेंबर मौलाना नूरुद्दीन फारूकी साहब है और SDPA के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मैडम सईदा सादिया मैडम भी है और हम लोग नॉर्थ कर्नाटक का टूर में आए हैं। आने वाले 2023 में जो इंतखाबात होने वाला है उसका एक प्रिपरेशन के लिए, एक सर्वे करने के लिए हम लोग आए हैं। हम कर्नाटक के अंदर इस बार इंशाल्लाह एक बहुत सारे जगह में, मोर देन 50 जगह में इलेक्शन का कैंडिडेट का खड़ा करने वाले हैं। तो इसके लिए प्रिपरेशन का जो काम हमें दिए थे उसको स्टॉक करने के लिए, स्टॉक टेकिंग करने के लिए और कन्वेंशन करने के लिए आए हैं। आज हुमनाबाद में भी हमारा कन्वेंशन हुआ, वहाँ भी एक मीटिंग हुआ और क्या क्या प्रिपरेशन हुआ है वो भी हम लोग उधर सर्वे किए हैं। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक कन्वेंशन भी हम लोग आज कंडक्ट किए हैं और आज मुल्क का हालात आप सब लोग जानते हैं। हर जगह में भी ये फैसिस्टों का कब्ज़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो यहाँ के ओपोजिशन पार्टी खामोश है, इतने सारे जुल्म होने के बावजूद भी, हमारा इकोनॉमी गिरने के बावजूद भी, ओपोजिशन सिर्फ एक उनका जो इंटरनल पॉलिटिक्स में बिजी है। देश का हालात को सुधारने के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक ओनली वो ब्लेम गेम कर रहे हैं और जो मजलूमों के बारे में और यहाँ के जो बेरोज़गार के बारे में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और इवन फॉरेन कंट्री जो चाइना जैसा जो ताकत है इंडिया का, हर एक ज़मीन को कब्ज़ा करने के वक्त भी हमारा देश को जो हुकूमत करने वाले BJP के पास भी कोई मुद्दा नहीं, एजेंडा नहीं है और हमारा जो मेन ओपोजिशन पार्टी के पास भी कोई आवाज़ नहीं है। सिर्फ एक इनके पास एक कम्युनल एजेंडा है। केजरीवाल के पास आज इकोनॉमी का सुधारने के बारे में उनका मुद्दा क्या है? नोट के ऊपर लक्ष्मी और गणेश को छापना है बोलकर। ये कोई इकोनॉमिक एक मुद्दा हो सकता है क्या? क्या हमारा नोट के ऊपर लक्ष्मी और गणेश का पिक्चर छापने में पूरा इंडिया का इकोनॉमी सुधर सकता है क्या? ये क्या एक तरीका है इन लोगों का? इन लोग दिमाग के क्या हो गया है? मोदी जी और जितना यहाँ BJP का बड़े बड़े मिनिस्टर है हमेशा एक सेंटिमेंटल इशू को लेकर लोगों के पास जाते हैं। वो उनके पास कोई किसानों के बारे में कोई मुद्दा नहीं है। वो अयोध्या का राम मंदिर के बारे में बताएगा, ज्ञानवाबी मस्जिद के बारे में बताएंगे, हलाल के बारे में, हिजाब के बारे में, अजान के बारे में, अभी लेटेस्ट आबादी के बारे में, मुसलमानों का आबादी ज़्यादा हो रहा है बोलकर ये मुद्दा लेकर लोगों के पास आ रही है। इसका मतलब क्या है? इन लोगों के पास सिर्फ एक नफरत फैलाने का मुद्दा के अलावा हमारे देश का तरक्की के बारे में कोई इनके पास कोई मंसूबाबंदी नहीं भी है और कोई सोच भी नहीं है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लोगों के पास जाएगा, एक बेदारी लाने के लिए बहुत सारे कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में हमें सियासत में बहुत बड़ा एक रोल हमें निभानेंगे और लोकसभा इलेक्शन भी हम लोग कंटेस्ट भी करेंगे और असेंबली इलेक्शन भी हम लोग यहाँ कंटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि हम आज देख रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो, पॉलिटिकल प्रेजेंट सिनेरियो जो है हमारे मुल्क का वो बहुत ही निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। उसी के मद्देनज़र आज गुलबर्गा शहर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने एक कैडर कन्वेंशन रखा जिसमें पोल नेक्स्ट के तहत हमने कुछ स्ट्रैटेजी और ट्रेनिंग जो थी वो अपने कैडर्स को दी और हम इस वक्त ये बोलने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे कि नाउ द होल इंडिया एक्चुअली कम टू नो दैट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इज़ कम्प्लीटली अ ट्रांसपेरेंट, फेयर
एंड वेरी एक्टिव सोशल पॉलिटिकल पार्टी। इसके तहत आने वाले इलेक्शंस में हम किस तरह से इलेक्शन फाइट करेंगे, हमारे कैंडिडेट जो हैं वो इस बार इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सीट्स पे हम खड़े करेंगे, क्योंकि हमें आज के प्रेजेंट सिनेरियो में ये अजहद ज़रूरत महसूस हो रही है कि पावर में पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आप ये देखिए कि जो प्रेजेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिक्स में बैठी हुई है और एक्टिव है, और उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव नहीं भी हैं, किसी भी तरह का कोई प्रोडक्टिव और पॉजिटिव अपोजिशन हमें नज़र नहीं आता है। चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें या हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम जेडीएस की बात करें, किसी भी तरीके से कोई भी पार्टी जो है वो इस वक्त ऐसी पॉलिटिक्स नहीं कर रही है जो कंट्री को प्रोग्रेस या डेवलपमेंट की तरफ ले जा सके। ऐसे में हम ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं हिंदुस्तानी होने के नाते या यहाँ के सिटीज़न होने के नाते कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान की जनता की अजहद ज़रूरत है जो उनको सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे जो प्रोग्रेसिव हो और डेवलपमेंट की तरफ उनको लेके जाए, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो या वो कम्युनल हारमोनी जिसे हम देख रहे हैं कि ख़त्म हो चुकी है, या जैसा कि पीस होना चाहिए वुमेंस के लिए जिस तरह से आज हमारे मुल्क में हकूक होने चाहिए, या जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें नाफिस करना था, या जो मीडिया का रोल होना चाहिए, ये सारी ही चीज़ें हम देख रहे हैं कि तकरीबन ख़त्म होती जा रही हैं या बहुत ही निगेटिव रोल प्ले कर रही हैं। उसके तहत आज SGPI अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इलेक्शंस में खड़े होने के लिए तैयार है और अपनी स्ट्रैटेजी तय कर रही है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने ये कन्वेंशन किया।